आज हम HIV को डिस्कस करेंगे कि HIV क्या होती है, एक कौन सी चीज़ इसका सबब बनती है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होती है, इसका इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले HIV को देख लेते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो HIV एक वायरस है, तो जब ये इंसान की बॉडी में एंटर होता है तो वहाँ वायरल इन्फेक्शन काज करता है, जो कि आपके जो टी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उन पे जाके ये अटैक करता है और आपकी इम्यूनिटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ऐसा ऐसा आपकी इम्यूनिटी ख़त्म होती जाती है, आपका बॉडी का दिफाई निज़ाम ख़त्म होता जाता है, जिसकी वजह से दूसरी बीमारियां आप पे अटैक करती हैं और उनकी जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं, वो इकट्ठे ही जाहिर हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये तब होगा जब HIV वायरस ने आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को ख़त्म कर दिया होगा, उसके बाद मुख्तलिफ बीमारियाँ इकट्ठे ही जाहिर होंगी जो कि सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। अब देख लेते हैं कि ये एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे मुंतकिल होता है। जनाब HIV जो इन्फेक्शन्स हैं, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में बजरिया खून, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर एक इंसान को है और वो ब्लड किसी दूसरे इंसान को देता है और वो खुद HIV इन्फेक्टेड है, तो उससे ये बीमारी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन को लग सकती है। इसके अलावा ये नीडल से, सिरंजेस से या दूसरे जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं, अगर वो कोई इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे को लगाए गए हैं, उनको स्टीराइल नहीं किया गया, तो उससे ये बीमारी एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल होती है। इसके अलावा अगर आपने किसी के साथ सेक्सुअल कंटेक्ट किया है, चाहे वो एनल सेक्स हो, ओरल सेक्स हो या फिर वजाइनल सेक्स हो, तीनों तरीक़ों में अगर किसी के साथ सेक्स किया है और वो पार्टनर आपका इन्फेक्टेड था, तो उस सूरत में अगर उसके जो बॉडी पार्ट थे वो साम उसके ओपन थे, ओपन सोर थे, या फिर उसको कट वगैरह लगा हुआ था, तो उससे ये बीमारी आपको लग सकती है। तो ये बजरिया सेक्स भी मुंतकिल होता है, बॉडी फ्लूइड से भी मुंतकिल होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में। इसके अलावा अगर कोई मदर, कोई माँ प्रेग्नेंट है और उसको HIV है, तो उससे जो है ना ये HIV माँ से बच्चे को मुंतकिल हो सकता है, चाहे वो प्रेगनेंसी में हो, चाहे बर्थ यानी कि अगर वो पैदा हो रहा हो तब भी ये बीमारी उसको लग सकती है, या फिर अगर वो दूध पी रहा हो बच्चा और माँ इन्फेक्टेड है, तब भी ये HIV माँ से बच्चे में मुंतकिल हो सकती है। और ये बीमारी किसिंग से, गले मिलने से, हगिंग से, या फिर एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने से मुंतकिल नहीं होगी। ये गलत कंसेप्ट है कि किसिंग वगैरह करने से ये बीमारी मुंतकिल होती है। जैसे जो मुंतकिल का इसका तरीका है, फैलाव का तरीका है, वो मैंने ऊपर बता दिया है, ब्लड वगैरह से होगा, सेक्स के जरिए से होगा, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट नीडल सुरंज अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे को लगेंगे तो उस तरीके से ये फैल सकती है, या फिर माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है तो माँ से बच्चे में ये HIV मुंतकिल हो सकता है। अब आपने इससे कैसे बचना है, बचाव का तरीका है, जो इक्विपमेंट मेडिकल यूज़ करें आप, वो स्टीलाइज हों, यानी कि अगर ख़ास तौर पे आपने अतायों के पास नहीं जाना, क्योंकि वो एक ही सुरंग से नीडल से सबको लगाते रहते हैं, तो ख्याल करना है आपने कि जो इक्विपमेंट आप यूज़ करें मेडिकल, वो प्रॉपर तरीके से स्टरीलाइज हों। इसके अलावा अगर सेक्स करना है आपने तो कंडोम्स यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, ये ना हो कि आपको लगाने का तरीका ही ना आता हो और आप कंडोम यूज़ करें लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरा कंप्लीटली उसको ऊपर चढ़ाएँ,
तो इससे आप जो है ना बच सकते हैं एचआईवी से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए ताकि अगर किसी को एचआईवी है तो वो एक इंसान से दूसरे में मुंतकिल ना हो। तो ये इसके तरीके हैं कि जिनसे आप, अगर माँ को है, फ़र्ज़ के माँ को एचआईवी है और वो चाहती है कि बच्चे को मुंतकिल ना हो, तो मेडिसन है जिससे बच्चे में इन्फेक्शन ख़त्म हो सकता है। अब देखते हैं इसका इलाज क्या है। जनाब इसका इलाज एंटी रिट्रोवायरल मेडिसन है, उसके ज़रिए से आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। पहले से ही हो जाए अर्ली स्टेजेस में तो ज़्यादा फ़ायदा है। तो एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, दूसरा है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, यानी कि आपको एचआईवी का आपको ख़तरा है कि एचआईवी आपको हो सकता है क्योंकि आप रिस्क पर हैं, तो आपने पहले से ही मेडिसिन ले लेनी है, उसको हम कहते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। दूसरे नंबर पर पोस्ट एक्सपोजर, यानी कि आपका एक्सपोजर हो गया है, एचआईवी आपको हो गया है, तो आप चाहते हैं कि सिंड्रोम वो ना बने या उस इन्फेक्शन से आप बच जाएं, तब आपने जो है ना एक्सपोजर के अगर 72 घंटे के अंदर अंदर ही मेडिसन एंटी रिट्रोवायरल मेडिसन ले लिए, तब आप इससे इन्फेक्शन कम से कम चांसेस होते हैं होने के। अब इसकी अलामत देख लेते हैं कि एचआईवी की अलामत कौन सी हैं। आपको जिसकी अलामत सर दर्द, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम से ही मिलती जुलती हैं। आपको सर में दर्द होगा, पूरे जिस्म में आपके दर्द होगा, थकावट होगी, काम करने का आपको दिल नहीं करेगा, रातों को पसीने आएंगे आपको, आप सो रहे हैं आपको पसीना आया होगा, तो ये उसकी अलामत हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।